एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो टीवी पर कुछ देख रहा होता है। वेल वो कुछ और नहीं बस अपनी कागेमासा की फिल्म देख रहा होता है बड़ी ध्यान से। तभी हम देखते हैं कि दूसरी साइड से कोनोहामारु आता है और कहता है कि मैंने मेरे मिशन की रिपोर्ट सारे सबमिट कर दिए है और आपको देने आया हूँ। और हम देखते हैं कि फिर भी वो नारुतो उसकी बात नहीं सुन रहा होता, इसीलिए जिन कोनोहामारु कहता है कि ये कागेमासा की फिल्म देख रहा है क्योंकि इसे कागेमासा की एक फिल्म में एज ए गेस्ट परफॉर्म करना है। कोनोहामारु कहता है कि वाह कितना मज़ा आएगा आपको देखने में इस मूवी में, वाह मैं ज़रूर देखूँगा। बट नारुतो कहता है कि मैंने हिमावरी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हॉट स्प्रिंग ले जाऊंगा, मैं भूल गया उस प्रॉमिस के बारे में और अब मुझे मूवी में भी काम करना है तो मैं क्या करूंगा। टेंशिकामारु कहता है कि डायरेक्टर को सिर्फ लास्ट में रेसिंगन वाला सीन चाहिए और होकागे तो वो किसी को भी बना देंगे। बट नारुतो कहता है मुझे हिमावरी का भी ध्यान रखना होगा नहीं तो वो फिर से मेरे चाकरा पॉइंट्स ब्लॉक कर देगी। उसके बाद कोनोहामारु कहता है कि कोई बात नहीं लॉर्ड सेवन, मैं आपकी जगह चले जाऊंगा होकागे बनने के लिए क्योंकि मुझे भी रेसिंगन आता है और मैं यूज़ कर सकूंगा उसे। एंड वो ये भी कहता है कि आप आराम से अपनी हॉट स्प्रिंग के वैकेशन इन्जॉय कीजिए हिमावारी के साथ। उसके बाद वो कहता है कि मैं देखो मैं ये मेरा जो काम है वो बहुत परफेक्टली करके दिखाऊंगा। उसके बाद वो अपनी कुनाई दिखाता है एंड कहता है कि मैं होकागे का रोल बहुत अच्छे से निभाऊंगा, बट उसकी जो कुनाई होती वो ठीक से शार्प नहीं होती। उसे देख कर जो शिकामारु होता है वो कहता है कि देखो तुम्हारी कुनाई ठीक से शार्प नहीं है, उसको थोड़ा सा ठीक से बनाओ नहीं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोनोहामारु जाता है डायरेक्टर के पास और कहता है कि मैं होकागे के रोल के लिए आया हूँ, नारुतो ने मुझे भेजा है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो खुश होता है कि वो यहाँ पर आया है एंड प्रोड्यूसर उसके पास जाकर कहता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो कागे के रोल के लिए। देन हम देखिए एंट्री होती है कागेमासा की जिसकी कमर में बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता है कहता है कि आह ये क्या बहुत कमर में दर्द है, मैंने पिछले छूट में कमर पर गिर गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारु को अपनी स्क्रिप्ट मिलती है और वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वेल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अब शूटिंग का टाइम हो जाता है एंड प्रोड्यूसर भी चला जाता है। ये डायरेक्टर होता है और ये कहता है कि अब स्क्रिप्ट भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, शॉट रेडी करो। कोनोहामारु कहता है कि ये किस लिए, मैं ट्रांसफॉर्मेशन जो से नारुतो में बदल सकता हूँ। बट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कहते हैं नहीं वो हम कर लेंगे, अभी सिर्फ मेकअप की तैयारी करनी है। उसके बाद कोनोहामारु कहता है क्या मेकअप, नहीं मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करूँगा। बट आखिर में उसके चेहरे पर तीन लाइन्स खींची जाती है ताकि वो नारुतो जैसा दिखे और VFX के चलते उसे नारुतो में बाद में बदला जाएगा। देन हम देखते हैं कि कोनोहामारु की देन एक्टिंग स्टार्ट होती है एंड देन वो अपने डायलॉग्स कहने लगता है कि कागेमासा और मैं विलन्स को हरा देंगे बिना किसी परेशानी के, मेरा नाम है होकागे। ये लाइन वो गलत बोल देता है, यहाँ पर उसे नारुतो कहना होता है। देन वो कहता है कि माफ़ करना डायरेक्टर गलत लाइन हो गई। देन डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं हम इसे बाद में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शिकामारु का डायलॉग आता है और एक आदमी आता है भद्दा सा, वो शिकामारु प्ले कर रहा होता है और वो शिकामारु का फेवरेट डायलॉग व्हाट अ ड्रैग कहता है। ये देखने के बाद कोनोहामारु कहता है कि ये क्या, ये तो शिकामारु जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका होंठ देखो कितने बड़े बड़े हैं। देन बाद में हम देखते हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद VFX की बारी आती है एंड उसके बाद VFX डाले जाते हैं पीछे से एंड कोनोहामारु बिल्कुल नारुतो जैसे दिख रहा होता है, जिसे देखकर कोनोहामारु कहता है वाओ ये क्या है, तुमने सब कुछ फिक्स कर दिया। और देन वो एडिटर कहता है कि हाँ आजकल हम ऐसे ही फिक्स करते हैं, बट पहले से नहीं था, पहले डायरेक्टर खुद शूटिंग में जाकर आग में खेलते थे, बट अभी CGI और ग्राफिक्स आ गए हैं इसलिए सब कुछ चेंज हो चुका है। कोनोहामारु कहता है कि मैं होकागे का रोल प्ले कर रहा हूँ इसलिए, नारुतो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसलिए हर सीन को कूल बनाने की ट्राई करना एडिटर। देन वो एडिटर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल उसको रियल बना दूंगा, बस तुम मुझ पर छोड़ दो। और इसीलिए वो शूट में जो रूम होती है वो शूटिंग रूम की चाबी वो छुपाने का नाटक करता है जिससे कि सारा शूट बाहर सिटी में होने वाला होता है जो कि बहुत रियलिस्टिक लगेगा। देन कागेमासा कहता है कि कितने दिनों बाद हम सिटी में आए हैं शूटिंग करने के लिए बिना किसी CGI के, ये बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पिछले दिन भी याद आ गए। देन हम देखते हैं कि डायरेक्टर और कैमरामैन एक्शन कहते हैं और उसके बाद फाइटिंग सीन स्टार्ट होता है और बहुत से सारे सीन्स होते हैं जो बाहर रियलिस्टिक वे में किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेकअप शेकअप भी होता है, उसके बाद ब्रेक होता है एंड देन आखिर में जब पूरी शूट पूरा हो जाता है तो डायरेक्टर कहता है कि वाओ बहुत अच्छा लगा बाहर शूट करके। उसके बाद वो प्रोड्यूसर को ये फिल्म दिखाता है बट प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं हमने इतना बड़ा शूटिंग रूम किस लिए बनाया है, फेंक दो ये कुछ काम का नहीं है, मैंने अंदर CGI और बाकी सबसे कितना अच्छा बनाया होता। जिससे कि डायरेक्टर को गुस्सा आता है, कहता है कि बास्टर्ड कैमरा हमारे लिए सब होता है तुमने उसे फेंका कैसे, इसलिए उसके मुँह पर चपट मार देता है। जिससे कि प्रोड्यूसर को गुस्सा आता है और प्रोड्यूसर कहता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम सब फायर हो, मतलब निकल जाओ यहाँ से और बाकी सब मैं ठीक से कर लूँगा। और वो कोनोहामारु से कहता है कि तुम भी शूटिंग के लिए आओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सब रैमेन खाने चले जाते हैं और सब गुस्से में होते हैं। उसके बाद कोनोहामारु गुस्से में कहता है कि ठीक है तुम अगर सब फायर्ड हो चुके हो तो मैं भी निकल जाऊँगा फिल्म में से। बट डायरेक्टर कहता है कि नहीं अगर तुम मूवी में से निकल गए तो मूवी किसी काम की नहीं होगी, तुम होकागे को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसलिए तुम्हें सब कुछ सीरियसली करना होगा। नेक्स्ट डे में हम न्यूज़ पे देखते हैं कि एडिटर को किसी चोर लुचकियों ने पकड़ लिया होता है और वो उसे पैसे मांग रहे होते हैं और वो सिटी में होता है, इसीलिए पुलिस
सावर पकड़ने उन्हें आ जाते हैं। देन हम देखते हैं कि कोनोहमारू वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं इसे बचाऊंगा बिल्कुल होकागे स्टाइल में, और फिर पुलिस को कहता है कि मैं होकागे नहीं हूँ बट मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद डायरेक्टर भी वहाँ से जा रहा होता है उस प्रोड्यूसर को गालियाँ देते हुए, तभी वो भीड़ देखता है एंड वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर कोई फाइटिंग सीन चल रहा होता है क्रिमिनल्स का, और वो देखता है कि ये तो अपना एडिटर है जिसको चोरों ने पकड़ा हुआ है और वो कोनोहमारू होकागे के ड्रेस में। देन हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल कहता है कि बहुत अनकूल लग रहे हो तुम इस ड्रेस में। उसके कोनोहमारू देन उन दोनों लुचकों को बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरीके से मारता है, पहले एक का सिर फोड़ता है और दूसरे के पेट में लात मार देता है एंड फिर स्टाइल में कहता है कि तुमने अगर ये लाइन फिर से कही तो बहुत मार खाओगे, ये ड्रेस होकागे का होता है, रिस्पेक्टेड होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर कहता है कि ये टीवी में दिखाया जा रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पर हम शूटिंग करेंगे, और वो टीवी के जो कैमराज होते हैं जो लाइव चल रहा होता है वो कैमरा को छीन लेते हैं और उससे शूटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कागे मासा भी टीवी पर देखता है। एंड देन हम देखते कि कोनोहमारू कहता है कि तुम ऐसे क्राइम्स करते होगे तो तुम्हें अच्छा लगता होगा बट तुम्हारे माँ बाप को जो दूसरे कंट्री में है वो कैसे सोचते होंगे। ये देखने के बाद वो चोर कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, माँ बाप की बात कर रहे हो? और फिर कोनोहमारू को लगता है कि अपनी जो लाइन है वो जो कह रहा है टोकनजुत्सु वो काम आ रहा है। एंड देन वो चोर अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे थे। एंड देन वो कहता है कि हे पागल आदमी तुम बहुत बुरे हो, तुमने अभी जिस दोनों लोगों को मारा ना वो दो मेरे माँ बाप ही थे, देखो पीछे तुम्हारे पीछे वो नीचे गिरे हुए हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो दो लोगों को जिसने उसने मारा था कोनोहमारू ने वो उसके माँ बाप थे। देन कोनोहमारू कहता है क्या मैंने इनके माँ बाप को मारा, बट ये भी तो क्रिमिनल्स ही थे, कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली मीन्स तुमने मेरे फैमिली को मार दिया, अब मैं पावर बॉम्ब से तुम सबको मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एंट्री होती कागे मासा की, जो ड्रेस पहनकर आता है कहता कि मैं हूँ कागे मासा। उस पर ध्यान बटाने के बाद कोनोहमारू जाता है और अपनी कुनाई से वो पेपर बॉम्ब ब्लास्ट करने की ट्राई करता है बट प्लेट पेपर बॉम्ब कटता ही नहीं है क्योंकि जो उसकी कुनाई होती है वो शार्प होती नहीं है। देन उसको नारुतो की याद आती है कि उसने कहा था कि अगर कुनाई शार्प नहीं होगी तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएगी। देन वो आदमी कहता है कि बास्टर्ड तुमने तो कुनाई भी ठीक से नहीं रखी। एंड तभी कोनोहमारू कहता है कि नहीं यार मैं भूल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कागे मासा उसका ध्यान खींचते हुए उसके मुंह पर एक पंच मारता है बट कागे मासा की कमर में बहुत दर्द होता है एंड वो जो पेपर बम होता है वो हवा में उड़ रहा होता है, बट जो आदमी होता है वो कहता है कि अब पेपर बम एक्टिवेट हो चुका है तुम सब मरोगे। कोनोहमारू कहता है कि नहीं अब क्या करूँ, ये दोनों इंजर्ड है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे समझ में आता है कि वो होकागे का रोल प्ले कर रहा है और लॉर्ड सेवन की रेपुटेशन उसके हाथ में है। तभी वो रसेंगन क्रिएट करता है एंड रसेंगन क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कितना अच्छा सीन है। कागे मासा देन अपना डायलॉग मारते हुए कहता है कि हे होकागे क्या तुम उस एक्सप्लोजन को अपने रसेंगन से सप्रेस करोगे। देन कागे मासा कोनोहमारू की तरफ देखता है, कोनोहमारू रसेंगन क्रिएट करता है और जल्दी से उस पेपर बम के ऊपर रसेंगन मारता है जिससे कि वो दोनों भी ब्लास्ट हो जाते हैं एंड जो पेपर बम होता है वो सप्रेस हो जाता है और ये सीन पूरा कैमरे में कैप्चर हो जाता है। डायरेक्टर कहता है इसे कैप्चर करते रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोनोहमारू अपनी पूरी ताकत लगाता है उसको सप्रेस करने में एंड आखिरकार नीचे आकर बैठ जाता है। तभी शिकामारू का डायलॉग आता है एंड देन नकली शिकामारू जो कि भद्दा होता है वहाँ पर आकर कहता है इट वॉज अ ड्रैग बट कोई बात नहीं हमारा केस क्लोज हो चुका है। कोनोहमारू कहता है ये बिल्कुल शिकामारू जैसे नहीं है, शिकामारू महान है। नेक्स्ट सीन में कैमरामैन सर वो सब आते और कहते हैं कि हमने ये सब कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। एंड कागे मासा कहता है कि वाह कितना अच्छा लगा। प्रोड्यूसर लास्ट का सीन देखता है उसे बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है कि माफ़ करना मैंने तुम्हें जो कल बत बोला था बट बहुत अच्छा हुआ, अब कल से हम बाहर ही शूटिंग करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर कहता है कि अभी तुम्हें सीजीआई की थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, यूज़ करना होगा क्योंकि थोड़े से एंडिंग में थोड़े से पॉइंट है। देन प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है सीजीआई हम यूज़ कर लेंगे, स्टाफ रेडी है। देन हम देखते हैं कि इतना सब ठीक हो चुका है, डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है उसमें भी थोड़ी सी केमिस्ट्री बन चुकी है, अब अच्छे से सब कुछ स्टार्ट होगा। देन नेक्स्ट सीन में टीवी पे दिखाया जाता है कि इनकी जो नई फिल्म थी कागे मासा की वो थिएटर में बहुत चली है, बहुत पैसा कमाया है। आखिर में कोनोहमारू की जो मेहनत है वो रंग लाई, आखिर में अपने ब्लेड को भी शार्प कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।